लेकर शाम में विश्वास दिलाता हूँ, अगर गठबंधन में भी चंद्रशेखर आजाद न रहे तो भी जाट बिरादरी का एक एक वोट इनके लिए जाएगा। क्यों जाएगा उसका कारण है, जब हमारी बात कही गई है कि धन देकर तन रखिए और तन दे रखिए लाज, और धन दे तन दे लाज दे एक प्रीत के काज। मेरे भाइयों, जब हमारी लाज जा रही थी तो सारा संघ और सब भाजपा ये कह रहा था कि तो जाटों की लड़की बैठी है। उस वक्त मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जनता अंतर को थे, तो इसलिए हम कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जिता कर रहेंगे। मेरे भाइयों, दलित समाज से मेरा निवेदन है, आपने जर्रे को सितारे बना बना के भेजे हैं जिला बिजनौर से, लेकिन आज वो नौबत है कि वो सितारे डगमगा रहे हैं आपके रहनुमाई करने से। आप अगर शेर का शिकार करने जाए तो एक हथियार मत ले जाइयो, डबल ले जाइयो, कलदार बहुत मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सारे भारत में किसी भी पार्टी को वोट दें लेकिन नवीना पे ये डबल हथियार काम आएगा। चंद्रशेखर आजाद, मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे किसी बड़े नेता की आंख बंद हो जाए तो डबल हथियार। ये मेरे भाइयों, आजाद जी को कहीं जाना होगा, मैं जंतर मंतर पे गया था जिस दिन इन्होंने बुलाई थी मीटिंग, लेकिन दर्शन नहीं कर पाया था, इस कदर भीड़ थी और गर्मी बहुत ताबड़तोड़। भगवान ने वो सपना पूरा कर दिया और मेरा वायदा है जी जान लगा दूंगा। आप आ जाओ, आ जाओ, उम्र युग की है 26 जनवरी को, वो यहाँ के वो बनाए गए हैं आरआरडी की तरफ से पर्यवेक्षक। मैंने उनके सामने कह दिया झूठ नहीं बोल रहे पंचम, जिसका नाम लगने से चल रहा है उनको ही लगाना है। मैं अयूब साहब से कहा, तुम्हारे अयूब साहब से, मैंने कहा समझ गए या बताऊं, बता आजाद जी की कहोगे तो आप आ जाओ, बेसब्री से इंतजार है आपके आने का। हम तैयार है।